हितकारी सेवा संस्थान के द्वारा मानसरोवर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष युगल किशोर नेवारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि चित्रगुप्त पार्क मानसरोवर कावेरी पथ पर सिलाई मशीन वितरण समारोह का आयोजन किया गया। सिलाई वितरण समारोह में 121 सिलाई मशीन वितरण का लक्ष्य रखा गया था और इससे लक्ष्य को पूरा करने की राह में इस कार्यक्रम के तहत 11 मशीनों का वितरण किया गया। इस समारोह की मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर पुष्पा माई रही। पुष्पा माई ने अपने संबोधन में बताया कि संस्था द्वारा महिला उद्यमिताओं के लिए यह नायाब शुरुआत है और महिलाओं के लिए वह हर समय के लिए तैयार है। कार्यक्रम में सिलाई मशीन का वितरण विधि विधान से पूजा मंत्रोच्चार के साथ किया गया। इस मौके पर वार्ड पार्षद राम अवतार गुप्ता भी उपस्थित रहे। श्री चित्रगुप्त बाल सेवा हितकारी संस्थान के संरक्षक ललित सक्सेना ने शिक्षण संस्थानों में और सरकारी और निजी संस्थाओं के कायस्थ समाज को 1% आरक्षण देने की मांग की है, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के झांसी से की जा चुकी है। समारोह में समाज के प्रमुख अवध बिहारी माथुर मधुकर सक्सेना, नीता माथुर, अमित सक्सेना, रूपेश जौहरी, साकेत माथुर, विजेंद्र माथुर, अनमोल माथुर, शरद नारायण माथुर, राधा मोहन माथुर, राजेश हकलिया, मुकुट बिहारी माथुर, सभी समाज के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल रहे। नीरज सिंह अलवर, अनुज माथुर, सुरेश शर्मा, कायस्थ सभा पश्चिम जयपुर, कायस्थ सेवा संस्थान श्री चित्रगुप्त ज्ञान मंदिर माथुर समिति मानसरोवर एवं समाज की सभी संस्थान ने सहयोग में भाग लिया। चित्रगुप्त बाल हितकारी सेवा संस्थान के प्रांतीय अध्यक्ष युगल किशोर नेवारिया द्वारा बताया गया कि संस्थान द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु सिलाई वितरण का यह आयोजन आगे भी जारी रहेगा। संस्थान ने सभी मशीन वितरण के लिए संस्थान को सिलाई मशीन उपलब्ध कराने के लिए सम्मानित किया गया। रत्नेश माथुर, नुपुर माथुर, चंद्र प्रकाश माथुर, नाई विनय, जनार्दन प्रसाद माथुर, देवेंद्र मोहन माथुर, डॉक्टर कैलाश नारायण माथुर, अवैध विहारी माथुर, जगदेश प्रकाश माथुर, दिनेश कुमार, दिनेश माथुर, उषा राय माथुर, श्रीराम राय, गोविंद बरवाड़े वाले, राधा मोहन माथुर, शरद माथुर जी ने सिलाई मशीन के सहयोग प्रदान किया। जून में श्री गुप्त चित्रगुप्त बाल हितकारी सेवा संस्थान 11 सिलाई मशीन वितरण करेगी। अनिता नेवारिया, तुप्ति सक्सेना, संध्या माथुर, रीना माथुर, सीमा माथुर, नीता माथुर एवं समाज के अन्य महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संस्थान सभी महिलाओं को 15 दिन का प्रशिक्षण नलिनी फाउंडेशन में निःशुल्क दिया जाएगा। इसके साथ ही श्री चित्रगुप्त बाल हितकारी सेवा संस्थान महिलाओं के उत्थान व विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए देखो, सबसे पहले मैं पुष्पा माई इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी, चित्रगुप्त बाल हितकारी संस्था का, जिन्होंने इतना सुंदर कार्य किया कि आज अपने ही समाज की महिलाओं को सशक्तिकरण का जो बीड़ा उठाया है कि ताकि वो सम्मानपूर्ण जीवन जी पाए, क्योंकि सम्मानपूर्ण जीवन ही सबसे बड़ा जीवन है और मानव का जीवन है कि हमेशा उनको सशक्त करना, अपने कैपेसिटी बिल्ड करना। और आज इस संस्था ने जिस तरह का ये सुंदर कार्य, साल भर पूरा कार्य करने का जो बात कही गई है, जिसमें किन्नर समाज को भी साथ में जोड़ने का कार्य, तो मैं जो इस तरह से 22 साल से कार्य कर रही हूँ समाज के लिए, किन्नर समाज के लिए, पर ये पहली बार मेरे लिए इतना सुंदर कार्य है कि जिस समाज को आगे ला करके इन्होंने कहा कि हम आपके समाज के बच्चों को भी आगे लाना चाहते हैं, तो ये बहुत अद्भुत कार्य किया है, जो कि कहते ना कि शब्द नहीं है, पर मेरे हमेशा दुआएं और विशेष साथ है कि इस तरह की सुंदर ये संस्था कार्य करती रहे और आगे समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य, कि समाज की जो बच्चियां हैं उनको सशक्तिकरण करने का जो कार्य है वो बहुत सुंदर ही है। देखिए हमारा सर्व समाज के साथ मिलकर कायस्थ समाज का विकास और छोटे छोटे संगठनों के साथ मिलकर एक महागठबंधन, जो कि सिर्फ सामाजिक कार्य करता रहे और सामाजिक कार्य के लिए लोगों को प्रेरित करता रहे। श्री चित्र बाल हितकारी सेवा संस्थान हमारा एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसमें हमारे समाज के साथ ही अन्य समाजों को भी हम लाभान्वित कर रहे हैं और अगली कड़ी में हम सर्व समाज के साथ सिलाई मशीनों का वितरण करेंगे। आज हमने 11 सिलाई मशीन, 121 सिलाई मशीन की हमारे द्वारा घोषणा की गई थी वर्ष 2024 में, जिसमें से प्रथम चरण में हम 11 सिलाई मशीनें आज हम वितरण कर चुके हैं। अगली सिलाई मशीनें जो हैं वो अगले माह हम वितरण करेंगे, जिसमें सर्व समाज को भी सिलाई मशीनों का वितरण किया जाएगा।